Hey guys, this is Shashikant. आप देख रहे हैं शशिकांत खांडेलवाल चैनल. So एक thinking है जिसमें सोचने का नजरिया बदल दिया मेरा. So guys, मुझे लगता है कि मैं कुछ शेयर करना चाहिए मेरा जो मैंने जैसा मैं सोचता हूँ. क्या पता किसी के लिए थोड़ा सा वर्क कर जाए, काम कर जाए. It's like amazing यार. So आपने कभी कहीं आप जब गए होगे कहीं बाहर आउटडोर या आउटसाइड में कहीं पे भी, क्या आपने किसी मर्सरीज पर लिखा हुआ देखा है क्या कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? क्या आपने किसी ऑडी पे या फिर बीएमडब्ल्यू पे या फिर लैंड रोवर पे आपने देखा है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? नहीं ना, हमें ये सभी चीज देखने मिलती है हमारे ट्रक टेम्पू में, ऑटो रिक्शा वाले में, और ना जाने ऐसी जगहों पर पूछो मत जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है. अच्छा एक बात बताना कि किसी को नजर लगानी होगी साले तेरे टेम्पू पे नजर लगाएगा? अरे तेरे रिक्शा पे बीएमडब्ल्यू वाले और ऑडियो वाले ये लोग क्यों नहीं लिखते कि मेरे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? सोचने की बात है यार. और रियली इट्स वर्क फॉर मी कि यार हाँ यार तो सही बात है कि बीएमडब्ल्यू वाले की उनकी तो टेम्पू और उस पे ऑटो रिक्शा पे क्या नजर लगानी है यार. लगानी है तो उसके ऑडी पे ना लगा दूं मैं, इतनी अच्छी. वाओ, अच्छा आपके सपने में आती होगी ना, वाओ ऑडी कार मारुति हर लगा है. इनके सब में तो नहीं लिखा होता और हमारे टेम्पू और इनके सब में लिखा होता है बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला. सोचने की बात है यार. फिर उसके बाद में आगे चल के और हम भगवान से हम इतना मानते हैं, भगवान बस आज की दाल रोटी चला देना कैसे भी करके, भगवान आज की दाल रोटी चला देना. भगवान भी बोलते तथास्तु. भाई उतना ही देगा ना, जब हम सोच ही नहीं है दाल रोटी के साथ में. अरे कभी उसने सोचा ही नहीं है दाल रोटी के साथ में मक्खन भी मिल जाए, बटर भी मिल जाए. अरे वो तो सपने तो देख, हकीकत तो कर उसको. फिर पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज आएंगी, बहुत सारे रास्ता मिल जाएगा आपको. अभी हाँ दाल रोटी तो आज खा रहा हूँ, कल आगे उससे अच्छा बेटर और बेटर और कब कैसे मिलेगा, हिम्मत तो कर. सच में हम सोचते इतना है भगवान बस आज का चल जाए, दाल रोटी मिल जाए, बस हो गया. ले तथास्तु तो दाल रोटी खा और खुश रहे. हम बटर और मक्खन के बारे में सोचना ही दूर है भाई. सही बात है, ऐसी लाइफ चलेगी तथास्तु चलते रहेगा. फिर और तो और आपने देखा रहेगा बचपन में हमें काला टीका लगा दिया जाता है जब हम छोटे थे. शायद आपने बहुत जगह देखा होगा जो छोटे बच्चे को काला टीका लगा दिया जाता था कि इसकी नजर ना लगे. अरे और छोटे बच्चे में से जो एकदम ही काले होते हैं उनको भी काला टीका लगा दिया जाता है उनकी नजर ना लगे. तो हमारी हमारी सोच हमारी समझ में पूरा फिट कर दिया गया है कि काला टीका लगाओ. और ये सब जो ऑटो वाले ने बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और वहाँ पे लिखना है कि जूते चप्पल और पता नहीं नींबू मिर्ची क्या क्या लगा देते दिस ऑल थिंक. और उसको चालान भी फटना ही है और पुलिस वाला उससे पैसे वसूल करना है, डंडे पे पुलिस की उसको ही पढ़नी है. हाउ इज रियली गोइंग ऑन जस्ट सी गाइस. और बहुत ही मजे की बात है कि ऐसा हो रहा है हमारे कल्चर में और हम उससे बदलाव नहीं ला पा रहे. इज वेरी बैड. हम खाली देख के मजा ले रहे हैं दूसरों का और ऐसा हो रहा है. अच्छा आपने कभी देखा है कि एक बड़ी सोच और एक किस तरह लोगों में बदलाव लाती है? एक दिन मैं ना ओलंपिक देख रहा था कि जो तीरंदाजी होते हैं ना, तीरंदाजी वाले लोग, मैं उनका देख रहा था वीडियो. तो हाउ टू दे आर परफॉर्म आपको डिस्कवरी पे मिल जाएगा तो उन सबके बारे में बताता होता है. तो मैं भी ऐसे यूट्यूब पे देख रहा था. तो एक दिन एक लड़की थी और ऐसे इंटरव्यू, मेरे को नाम नहीं याद है उसका, उसको मैं नहीं ले पा रहा हूँ. और एक लड़की जो थी उसको है ना, मतलब उसने जब अपना इंटरव्यू दे रही थी तो बोल रही थी थिंक बिग थिंक बिग. और जब भी आप बड़ा सोचेंगे तो शायद उसके लिए आपको कुछ करने का मौका मिल जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा. और है ना जब वो बता रही थी कि जब मैं अपना निशाना हम लगा रहे होते ना तो हम थोड़ा सा अपने गोल के थोड़ा सा ऊपर लगा रहे होते और जैसे ही हम तीर छोड़ते हैं ग्रेविटी की वजह से वो तीर नीचे आता है, टक करके सीधा गोल पे लगता है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग और तुम लोग विनर बनते हैं यार. सो गाइस वो लोग भी थोड़ा बड़ा सोचते हैं तो हमें इतना बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है? सोचिए ना कहाँ के पैसे लग रहे हैं, कहाँ से किसे मांगना पड़ रहा है हमें, नहीं ना. सो सोचिए ना बड़ा, फिर सोचने के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई जरूर करना. इट्स गोना बी वर्क और ये भी काम करेगा. और पहले मेरे को याद है जब मैं थोड़ा आज से तीन या चार साल पहले, यस एग्जैक्टली, मेरी मॉम और बाजू में जो भी लोग होते थे
आते थे घर पे, पूरी मंजिल फैमिली बैठती थी, बोलते थे कि मम्मी भी समझाती थी मुझे, जितनी बड़ी चादर है उतनी बड़ी पैर उतना ही पैर फैलाने का, नहीं तो फिर बाद में लोग क्या बोलेंगे, ऐसा होगा, फलाना होगा, ये होगा। तो मैं जब यहाँ से अपना 2 ईयर का फिनिश करने के बाद आई वॉज गोइंग टू फॉर माई वेकेशन, और घर पे जाने के बाद में मम्मी और सब लोग ऐसे बात करने थे, और मुझे मैं एक छोटे से चौल में रहता था, सो आई वॉन्टेड टू बी शिफ्ट फ्रॉम दी अदर साइड, कि मैं भी जाऊँ बिल्डिंग में, वहाँ के टॉयलेट्स की प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक हो, हैप्पी रहे सब लोग। सो दैट फिर मैंने मम्मी को बोला, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको जुगाड़ कर सकूँ और मतलब कर सकूँ, तो मम्मी से मैंने एक दिन बोला, मम्मी चादर छोटी पड़ रही है अब क्या करें, तो मम्मी बोली उतनी पैर फैलाते, ज़्यादा बड़ा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला नहीं मम्मी अब तो चेंज करना है, अब तो चेंज करना है, कैसे भी करके चेंज करना है। मैं गया और वहाँ पे कैसे भी करके मैंने चेंज किया, दैट इज रियली अप्रिशिएट फॉर मी, और सब लोग फैमिली वाले सब लोग ने एक सारा और बोला कि यार इनका लड़का गुड, उसने कैसे भी करके अपनी सिचुएशन को समझते ही हुए आगे बढ़ा और चेंज किया। दैट इज़ अ रियली गाइस, अगर आप भी थोड़ा सोचेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर पाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड इट, थिंक बिग। अरे सोचना ही है ना, बस थिंक बिग, आस्क फॉर मोर, ज़्यादा पूछो, अपनी लाइफ से ज़्यादा मांगो, सेटिस्फाइड होके, अरे हाँ मुझे और चाहिए, अभी भूख रखो आगे बढ़ने की। बस ये सोच के हंसी आती है यार ये सोच के आती है, हंसी आती है। हमारे देश में ना एक बहुत गरीब आदमी है, उसका नाम है मुकेश अंबानी बस ज़्यादा नहीं, इतना गरीब है कि ज़्यादा नहीं, उसका जो घर है 8,000 करोड़ का है, इतना गरीब है। और उसके जो पहले दो फ्लोर है ना, पार्किंग के लिए खाली, इतने गरीब होते हुए भी, बाप रे। और फैमिली में रहने वाले 6 लोग, सबसे गरीब इंसान हमारे भारत में मुकेश अंबानी जी, सोचने की बात है ना। और बाकी के उसका जो 2 फ्लोर का पार्किंग है, उसके बाद में 2 फ्लोर की जिम्नास्टिक है उसके हेल्थ के लिए, और घर में रहने वाले 6 लोग, 27 माजले की बिल्डिंग, गरीब है, इतना गरीब है, हम सोचते ही ऐसा है, इतना आस्क फॉर मोर ना, उसने अपने लाइफ से मांगा, आस्क फॉर मोर, अपनी लाइफ से मांगा और मिला हार्डवर्क करने की वजह से। हमारे क्या है भगवान, दाल रोटी दे देना तथास्तु, दाल रोटी मिलेगा ना फिर, आस्क फॉर मोर यार, आगे चल के कुछ और भी मिलेगा, जो आप चाहते हो वो भी मिलेगा, बस अंदर मांगो आस्क फॉर मोर, कि यार मेरे को कुछ और भी चाहिए लाइफ से, ऐसे थोड़ी कीड़े मकड़ों की तरह मरना है, ऐसे ही आया और चला गया, नहीं जी और भी कुछ करना है, मोटिवेट रहना है, आगे बढ़ना है, आस्क फॉर मोर, मांगना है बड़ा मांगो ना, क्या छोटा मांगना है भाई। मैंने तो मांग लिया अपनी लाइफ से कि आई वांट टू बी मोर, मुझे और चाहिए, भूखे अंदर और चाहिए, और यही, और आपको एक दिन आगे तक लेके जाएगा, ये हमेशा याद रखना। आज्ञा को मानिए और उनकी उनको अप्रिशिएट कराइए, ऐसा फील। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा और इट्स रियली बहुत ही अच्छा लगता है यार, जब तुम लोग इतना प्यार देते हो, और जब तुम्हारी वजह से मैं मतलब वीडियो बनाने का एक और कॉन्फिडेंस आता है, और लेवल एनर्जी हाई होती है, मोटिवेट रहता हूँ अपने काम को लेकर, और जॉब भी कर रहा हूँ, तो इज़ गुड, और कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, फीलिंग बस कि हाँ भाई अब तो कुछ नया करना है, और अगले दिन के लिए प्लानिंग होती है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना है, इसको ना भी मतलब कुछ करने के लिए ना तो अंदर से आना चाहिए यार, नहीं तो नहीं होता, फिर हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, तो अंदर से ले आओ यार, पैशनेट हो जाओ, कौन रोका है, और जिसको बोलना है बोलने दो, तेल लगाने गई जनता अपना काम बनता, ऐसा ना, तो फिर यू हैव टू बी, कोई नहीं आएगा, अब तुम्हें ही करना है जो करना है, ये याद रखना हमेशा, जो भी करना है तुम्हें ही करना है, कोई भी नहीं आएगा। ओके गाइस, आपको अगर आपको अच्छा लगा ये मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना, मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, और क्योंकि हम सब मैग्नेट है यार, कमेंट करो हम पढ़ेंगे, रिप्लाई भी मिलेगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली आप किसी को भी जो चाहते हो कि उसको जरूरत है थोड़ी सी मोटिवेशन की, जो डीमोटिवेटेड है, तो प्लीज़ शेयर करो, मैं ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। Yeah.